पिछले एपिसोड में जैसा कि आपने देखा, देवर द न्यूज रीडर्स ऑन दूरदर्शन आई एंड नीति वर सिस्टर्स। हाँ, पर एक और चीज बताना चाहूंगा मैं अमित, यहाँ पर सिर्फ दिल्ली में नहीं, हाँ, हिंदुस्तान में नाउ इट्स मैंडेटरी कि जहां पर भी मेट्रो चलेगी द वॉइस हैज टू बी आस। बातें दिल से निकलेंगी, सावधानी से सुने। First of all, I want to know how did you get into Doordarshan, Shammi ji? आपका कैसे? मेरी शुरुआत पूरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। और मतलब दो ही दुर्घटनाएं हुई हैं जिंदगी में, एक दूरदर्शन में आना और एक शादी होना। Shammi ji has an amazing sense of humor. I've been talking to him. मैं actually he is a stand-up comedy. मैं नहीं, अब तो बैठ के करता हूँ। मैं बता दूं, मैं शक्ल से पढ़ा लिखा नहीं लगता, लेकिन मैं इंजीनियर हूं। okay. और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कोई अमेरिकन आए थे ऑडिटोरियम बनाने के लिए। अब डेस्टिनी कितनी बड़ी चीज होती है, जैसे हिंदी में नियति कहते हैं। तो आप बताइए कि 60 स्टूडेंट्स वर लॉकिंग अराउंड देयर। सो उन्होंने कहा कि साहब, हे कैन यू कम हियर एंड से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन। सो मैंने सोचा गोरे को कौन सा हिंदी समझ आएगी, तो मैंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था ऊपर जीना लगा के, और वो कर रहा था, तो मैंने कहा गोरे साले तुम हमारा देश में आ गए, ये करते हो वो करते हो। और मैंने बड़ा मॉड्यूलेट करना शुरू किया। उससे पहले कॉलेज के नॉर्मल शोज जो होते हैं, उससे पहले मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ऑडियो वर्ल्ड क्या होता है। खैर, वो जीने से कमबख्त होता रहा है। मैंने कहा इसको मेरी बात समझ आ गई, पीटने के लिए आया। ही सेड कम हियर, डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तेरा दिमाग खराब हो गया, माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं मुझे इंजीनियरिंग कराने में, तू कह रहा वेस्टिंग योर टाइम। He says, see me tomorrow at USIS. And we have a unit called VOA. And by that time, I didn't know what VOA stands for. Okay. So here, मैं उतरा, वो नीचे ने कहा, आप मेरे को अमेरिकन सेंटर में मिलिए। तो कर्जन रोड पे, जो कस्तूरबा गांधी मार्ग कहलाता, उधर पहुंचा सब। तो पहली मरतबा मैंने जिंदगी में इतना खूबसूरत सेटअप देखा, मिक्सर्स और ये तमाम चीज़ें। तो पहली बार पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हियर्स अ स्क्रिप्ट। तो साइंस, व्हेन यू ऑप्ट फॉर साइंस, तो हिंदी तो छूट जाती है आपकी। तो मैं चला गया, तो उन्होंने हिंदी में दे दिया। मैंने वापस तो मैं जाऊंगा नहीं। तो मैंने पढ़ा जब माइक्रोफोन पे, तो वो जो जो शास्त्री जी हिंदी हेड थे, वो कहा माशाल्लाह क्या गला पाया आपने, और सिर्फ एक छोटी सी गलती है और आपने प्रतिभा को प्रतिभा पढ़ दिया। ऐसे ठीक है बेटा, याद रखना दो चीजें, हिंदी ऐसी भाषा है जिस तरह से लिखी जाती है उस तरह से बोली जाती है। छोटी की मात्रा तो प्रतिभा हो गया, बड़ी होता तो प्रतिभा हो जाता। समझ आ गया। अब उन्होंने कहा कि आप दोबारा पढ़ना चाहेंगे, मैंने पढ़ दिया, बोला हमने रिकॉर्ड कर लिया। कसम खुदा की 100 रुपए का नया नोट दे दिया उन्होंने पढ़ने के बाद। व्हाट ईयर? 77। हाँ, तो उस टाइम 77 मतलब आज के 10,000 रुपए। हाँ, हाँ। और मैंने क्या कहा कि साहब मैं अब क्या करूं, कांप रहा था। नो वेट, हैव अ कप ऑफ कॉफी, एक और करेंगे। मैंने कहा शायद यही कराएंगे, एक और स्क्रिप्ट दे दी। बाहर ने निकल लगा, 100 रुपए और पकड़ा दिया। मोजों में छुपा के लाया कि चोरी ना हो जाए। अब ये था कि मैं इसको डिस्क्लोज कैसे करूं, एक तो माँ बाप से और फिर रूममेट्स में। और वो 100 रुपए की कैलकुलेशन बियर की बॉटल से होती थी, कितनी आ जाएंगी, है ना, हॉस्टल में रह रहे हैं आप। तो खैर, वो जब हो गया सब कुछ, और उसके बाद इस तरह का शौक पड़ गया। उधर एक मोहतरमा मिली, वो कहने लगे कि हम लोग कुछ कमर्शियल करते हैं, एक ही स्टूडियो है प्राइवेट, उस पर आप आइए और वॉइस दीजिए, क्योंकि मेल वॉइस की बहुत कमी है। सो साहब, मैं वहां चला गया, तो कुछ कमर्शियल, आई यूज टू पोक माई नोज एवरीवेयर। मैं गा भी लेता था, मैं लिख भी लेता था। आई वॉज अ लाइक स्कूल बैंड, कॉलेज बैंड में था, आई यूज टू प्ले ड्रम्स। ओके। सो थोड़ा बहुत म्यूजिक, थोड़ा गिटार ट्यून कर लेता था, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग्स, जो एक नॉर्मल कॉलेज में हर बच्चा कर लेता है। तो खैर साहब, मैं पहुंचा तो वहां पर एक जिंगल के लिए उन्होंने कहा कि साहब आप आइए और आप ये जिंगल में शिरकत करनी शुरू कर दीजिए। तो मेरे को वॉइसर की हैसियत से बुलाया गया था। फिर उन्होंने कहा कि वो म्यूजिशियन तो आए नहीं, वो जो कंपोज जिसने करना है वो आया नहीं है, उसी ने गाना भी है। तो मैंने उनको कहा कि मिसेस चांदना थी, मुझे याद है आज भी, मैंने कहा मैम इफ़ यू वांट कैन आई ट्राई, मैं कंपोज भी कर देता हूँ, गा के दिखा देता हूँ, फिर आप रिप्लेस कर दीजिएगा। तो मैंने किया, तो उन्होंने जब मैंने गा लिया तो वो अभी भी नहीं आए थे। तो उन्होंने बोला आपकी हर पार्टिसिपेशन के आपको 50 रुपये मिलेंगे, अगर आप गाएंगे 50 रुपये,
अगर आप म्यूजिक कंपोज करेंगे 50 रुपए और वॉइस ओवर तो करेंगे ही करेंगे आप। तो मैं कैलकुलेशन बियर बॉटल की हो रही थी। खैर किया साहब, उन्होंने कहा अप्रूव्ड, अब हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। और उन दिनों में मतलब किसी तरह से एडजस्ट करता रहा, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कॉलेज भी करता रहा और ये कमर्शियल्स करता रहा। उन दिनों में बहुत पॉपुलर एक शो आया था, प्रॉब्ली मेरी ऑडियंस जो स्पेशली गुरबानी सुनती थी, सिख ऑडियंस जो होती थी उनमें एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम आता था सरब सांझी गुरबानी करके, आई रिमेम्बर। उसमें फिर वो एक गाना फेड इन होता था, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, एंड आई यूज्ड टू साउंड लाइक अ प्रीचर, आत्मा दे सुख लई टेक्सला टीवी दे निर्माता पेश। यू गॉट मी, साला टैटर्ड जींस पहनी हुई और बोल रहा हूँ आत्मा दे सुख लई, सो एंड दैट सोल्ड। तो जो उन जमाने में कोई फ्रीलांस इस तरह के कैमरा पर्सन नहीं हुआ करते थे, जो कैमरा पर्सन होते थे जो फ्रीलांसिंग दूरदर्शन के लिए करते थे वो बाहर भी काम करते थे। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा यार कमाल है यार, माशाल्लाह तुम इतनी अच्छी आवाज पाई है, तुम न्यूज के लिए क्यों नहीं ट्राई करते। और हम लोगों को इतना कॉम्प्लेक्स था, न्यूज सलमा सुल्तान, तेजेश्वर, नीति रविंद्रन, कोमल जी बी सिंह, इस तरह की शख्सियात जो हमारे जहन में बैठी हुई थी, यार ये लोग होते हैं वो तो असली न्यूज रीडर। तो मैं तो कहा मतलब सपनों की दुनिया में ले जाओगे क्या। खैर उन्होंने कहा यार 20 रुपए लगेंगे सिर्फ, एक पी ऑर्डर होता था, तुम्हारे टाइम भी होगा शायद, मैं रेनी से सीनियर हूँ 2 साल इसलिए पूछा। सो खैर हम लोगों ने पी ऑर्डर भरा, ऑडिशन हो गई। ऑडिशन में मालूम पड़ा और बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह ऑडिशन थी। जिस कमरे में इस वक्त बैठे इससे 5 गुना बड़ा एक कमरा था, फिफ्थ फ्लोर के ऊपर, और उसमें दीवार के साथ साथ चिपका के लोग खड़े होते थे और उसमें वो एक कागज पकड़ा, वीजा ऑफिस, हाँ जैसे वीजा ऑफिस होता है, कागज पकड़ा देते थे और एक माइक्रोफोन लगा होता था और कंट्रोल रूम और पैनल के बीच में, सॉरी स्टूडियो और पैनल के बीच में पर्दा लगा दिया जाता था गंदा सा, और वो उसमें होता है नेक्स्ट। अब जो उसी में we can't see inside and they can't see us. Okay. We only everything, hear, we only hear. Only you, voice. हाँ, एक रोल नंबर सा दिया जाता था आपको। So उसका क्या बायस के लिए करते थे कि नो पार्शियलिटी आर सच। ओके सो लाइक गए तो उसमें हमने बोला, तो उसमें आपके सामने ऑडिशन चल रहा है जैसे भीड़, और भीड़ में ही बोल रहा है भारत के प्रधानमंत्री नेक्स्ट, पहला शब्द बोले भारत के प्रधानमंत्री। मैंने कहा मुझसे भी यही होगा। अब मेरा नंबर पता नहीं 40वां था या 45वां था, 300 लोग थे, बुलवाया। मैंने पहला लाइन पढ़ी, मैंने कहा मैंने तो मुझे तो निकालना ही है इन्होंने, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री में रुक गया। बोले नहीं नहीं वो कह रहे हैं पढ़िए। फिर मैंने और पढ़ा, बोलो और पढ़िए। पूरा पहला उस शख्स था जिसने वो पहला पन्ना पूरा पढ़ा। वन क्रेजी फैन स्टोरी यार, बहुत होते थे इस तरह से। एक तो मेरा बड़ा ये जैसे कहा जैसे इनकी साड़ियों की शर्तें लगा करती थी, मेरी एक आदत होती थी पेन जेब में रखने की, एक तो वो आदत थी, और उसमें ये होता था कि आज ये शख्स अपनी जेब में पेन रखेगा या नहीं रखेगा। और उसमें ये होता था कि एक खातून हमें चिट्ठी लिखा करती थी हमेशा कि आप अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आज अपना पेन मत रखिएगा, तो मैं समझ जाऊंगी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा कमाल की चीज है यार, है ना, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और मैंने ये करने से पहले बीवी वकील को बोल दिया था अगर डिवोर्स के पेपर आए तो साइन कर देना। नहीं नहीं खैर उन्होंने कहा कि साहब वो तो बेचारी खत लिखे हैं आज आपने पेन क्यों रख लिया क्यों रख लिया, बहुत लिखती थी। तो एक मेरे मित्र थे वो कहने लगे यार तुम एक दिन बेचारी दिल क्यों तोड़ रहे हो, आज तुम एक मत रखो। तो आखिर में जब हम लोग आते हैं किसी के साथ समाचार समाप्त हुए तो लगा कि मैंने पेन उठाया यहाँ तक लेके और यूं रख दिया मैंने कहा अब तो मोहब्बत पे पूरी मोहर लगा दी हमने कहा, है ना। अब मैंने कहा अब तो तुम कहती है AK-47 भी यहाँ उठा के रख दो मैं रख देता हूँ, है ना। तो इस खातून के 3-4 बच्चे होंगे शायद, हाँ हाँ, और वो हमारा तारुफ भी करा दी, बेटा दूर के मामा लगते हैं, है ना। Now, in the end, I want to hear the same story you were telling us. नहीं, popularity की बात हो रही थी। थे हमारे एक कलीग हैं विनोद दुआ। विनोद दुआ बहुत सीनियर और बहुत ही मकबूल और बहुत ही मशहूर इंसान है वो, तो हमसे भी कहीं ज्यादा। और तो हम लोग क्या करते थे जब शाम को हम लोग चक्कर मारने जाते थे, न्यूज खत्म हुई या वो प्रोग्राम करके जाते थे, कहते चलो आए, तो बाहर की चाय वाय पीने के लिए हम निकल जाते थे। तो जब पहुंचे तो एक साहब आए सामने से, अरे अरे नारंग साहब कैसे हैं आप, कैसे हैं, हाथ पाथ मिला, बड़ी खुशी हुई भाई आप जो भी उन्हें तारीफ करनी थी। विनोद को देख के कहते आपको भी कहीं देखा है। अब विनोद को गुस्सा हो तो इतनी कोफ्त हो रही है, कमबख्त थी अरे मैं इससे कहीं गुना पॉपुलर, 2 साल पहले से टेलीविजन पे आ रहा हूँ और मुझे बोल रहा आपको भी कहीं देखा है। मैंने कैसी बात कर रहे हैं, इनको नहीं देखा आपने? बोला क्यों नहीं देखा, खारी बावली में दुकान है चावल की।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगले वीडियो के अलर्ट के लिए YouTube पे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और Facebook पे लाइक का बटन दबाइए। समाचार समाप्त हो। धन्यवाद।